हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूज एस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी नाइन्थ क्लास की मैथ्स, जो कि आपका नया सिलेबस है, उसकी एक्सरसाइज हम 1.3 करा रहे हैं। इसके पहले दो एक्सरसाइज हुई है, साथ में हमने पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है आपको, वहां पे सारे उदाहरण कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो भाई, पहला क्वेश्चन जो आया वो हमसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, ये हमें बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमको बता 36/100 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? 36/100 दिया गया है। तो भाई देख लेते हैं इसको। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा 36/100। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है हमें, बस सिंपल से क्या करना है, 100 से 36 को भाग करना है। तो भाई हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, 100 और 36 को करेंगे भाग। अब 100 से 100 के पार्ट में 36 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 36 छोटा है, तो हम नहीं आ जा रहा है ना, तो ना जाने का शून्य लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, दशमलव। ये दशमलव क्या करता है कि अगर हम दशमलव लगा देते हैं ना, तो ये दशमलव एक परमिशन हमको देता है कि आप हर लेवल में या हर स्टेप में एक जीरो बढ़ा सकते हो। कितना जीरो बढ़ा सकते हो? एक जीरो बढ़ा सकते हो, पर एक से ज्यादा नहीं। तो इस दशमलव ने हमको एक जीरो यहाँ पे दे दिया। अब हमने क्या किया, 100 * 300 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 60 जो है शेष बचा। अब दशमलव तो था ही हमारे पास, दशमलव ने हमको प्रॉमिस किया था कि हर स्टेप में हमको एक शून्य दे देगा, क्योंकि 60 तो इसके पहाड़े में आएगा नहीं 100 के पहाड़े में। तो दशमलव ने इसको एक 100 दे दिया, तो जिससे 100 * 600 हमारा पूरा पूरा चला गया और हमारा कट गया। लास्ट में हमारा क्रॉस आ गया, फाइनली ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कोई भी शेष नहीं आया, मतलब इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आया है, 0.36 इसका आंसर आया है। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है ना, तो ये शांत हो गया ना, सॉल्व हो गया, पूरा आंसर आ गया, मतलब शांत होके बैठ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा किस प्रकार का है, शांत दशमलव है। ठीक है, इसका टाइप क्या है, शांत दशमलव है। इन्होंने कहा था इसका प्रसार किस प्रकार का है, भाई इसका प्रसार शांत दशमलव प्रकार का है। अब हम करते हैं अपना सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी, मतलब हमने आगे स्पेस छोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये है हमारा 1/11। क्या है, 1/11। अब 1/11 का मतलब क्या हुआ, हमें 11 से 1 को भाग करना है। तो हम चलो 1/11 जो मैंने लिखा है इसको रफ कर देते हैं, उसको अब उसकी जगह पे ही लिख देंगे, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। ठीक है, क्योंकि अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको देने हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये नोट्स हमको कैसे मिलेंगे, तो हम भाई आपको बता देते हैं, हमारा एक ऐप है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा हमारा ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। इसका नाम है NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन, पर आपको प्ले स्टोर में ये सर्च नहीं करना है, आपको इस चैनल का नाम डालना है। इस चैनल का नाम है जोजस स्टडी। जोजस स्टडी डालोगे तुरंत आ जाएगा, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर ये नाम डालोगे तो बहुत आपको सर्च करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा ना। तो जोजस स्टडी डालो, तुरंत आ जाएगा, उसको डाउनलोड करो। आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स इस पर डली हुई है, साथ में सोल्यूशन भी हमने डाल के रखे हैं। मैथ्स के सोल्यूशन तो हमने 2 टाइप के डाल के रखे हैं, एक दो हम पढ़ाते हैं, ये वाले नोट्स भी डाल देते हैं, मतलब हमारे हैंड रिटन नोट्स है, और साथ में हमने प्रिंटेड सोल्यूशन भी डाल के रखे हैं। हर सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सारी की बुक्स मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। बस आपको एक मेरा काम करना पड़ेगा, ऐप जब डाउनलोड करना 5 स्टार की रेटिंग दे देना, साथ में आपको क्या करना होगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, बस इतना कर देना आप लोग। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे 1 को। तो भाई कर देते हैं 11 से भाग,
तो हम इधर 11 लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे, क्या 11 के पहाड़ में एक आता है? आप कहोगे कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक तो छोटा है, तो छोटी संख्या तो कभी नहीं आ सकती। हाँ, बराबर या बड़ी आ सकती है, ठीक है। तो भाई नहीं जा रहा है ना, तो शून्य लगा दो। अब हम दशमलव लगा देंगे, दशमलव क्या करता है? परमिशन देता है। काहे की परमिशन देता है? एक जीरो की परमिशन देता है। पर इसने एक जीरो की परमिशन दी और हमने एक जीरो लगा भी दिया, फिर भी तो छोटा है, 11 के पहाड़े में 10 तो कभी जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमको एक दशमलव ने सिर्फ एक जीरो की परमिशन दी थी ना, अब हमको दूसरे जीरो चाहिए ना, तो इसके लिए दूसरे जीरो के लिए हमें यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। अब ये जीरो लगने से हम यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं। अब हमारा कितना हो गया? 100 हो गया ना। अब चला जाएगा 11 × 99। अब हमारे पास कितना बचा है? एक बच गया। फिर से हमारे पास वही कंडीशन आ गई। अब दशमलव हमने लगा के रखा था, लगा के रखा था ना, इस दशमलव ने हमको क्या परमिशन दी थी? एक जीरो लगाने की परमिशन दी थी। भाई एक जीरो तो लगा दिया, लेकिन जा तो रहा था नहीं, फिर हमें दूसरा जीरो चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर से जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इस जीरो की वजह से हम एक जीरो यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम फिर से करेंगे 11 × 99, फिर से हमारे पास एक बचेगा, फिर हम वही काम करेंगे, दशमलव की वजह से एक जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा होता है तो फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर हम यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर 11 × 99, मतलब बार बार हमारी वही स्टेप जो है वो हमको मिलती रहेगी, मतलब बार बार 09 09 09 आता रहेगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 0.09 09 09। कभी हमारा पूरा क्रॉस नहीं हो रहा, मतलब स्पेस पर आए जा रहा है, आए जा रहा है, हमारा फाइनल मतलब आंसर आ ही नहीं रहा है हमें, मतलब इस तरीके से पूरा सॉल्व हो ही नहीं रहा है। यही हमारी स्टेप रिपीट हो रही है बार बार। इसका मतलब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.09 क्या बार बार आ रहा है, 09 आ रहा है ना बार बार, तो 09 के ऊपर ये बार का चिन्ह लगाओ, ठीक है। मैं आपको, मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा है, मेरे पीछे छुप रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 09 बार बार आ रहा था, तो हमने 09 के ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा इससे, इससे हमारा ये जो है पता चल गया है कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने वाला नहीं है। अब लिखना पड़ेगा हमें इसका टाइप, ठीक है। अब ये इसका प्रसार किस तरीके का हो रहा है, तो इसका प्रसार हो रहा है अनवसानी, अनवसानी इस टाइप के प्रसार को कहते हैं अनवसानी आवर्ती, आवर्ती दशमलव, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव, इस टाइप का इसका प्रसार है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए। अब करेंगे इस थर्ड वाले क्वेश्चन को, जहां पे हमारा दिया है 4 सही 1/8। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा मिश्रित बिंदु है, इसको साधारण बिंदु में चेंज करना पड़ेगा। 8 × 32 इसकी इसकी करेंगे जोड़ा, इसको जोड़ देंगे, 8 × 32 32 में एक जोड़ेंगे, हो जाएगा हमारा 33/8, ठीक है। अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास क्या था, नेक्स्ट पे क्वेश्चन था हमारा थर्ड वाला, ठीक है, जो था 4 सही 1/8। इसको हमने सॉल्व करके क्या बनाया था, 4 × 32 = 33/8। अब हमको क्या करना है, हमको 8 से 33 को भाग करना है। भाई आसानी से चला जाएगा, क्योंकि 33 तो 8 से बड़ा है ना, 8 × 32 होता है, तो 32 हमने यहाँ पे कर दिया, एक हमारा शेष हो गया। अब तो जा नहीं रहा है, हम तो पूरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, अब जा नहीं रहा है तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब ये मत करना, आप नहीं जा रहा है तो ना जाने का शून्य लगा दो, एक अंक आ जाता है उसके बाद आप शून्य नहीं बढ़ाओगे, शून्य तभी बढ़ाओगे जब आपका पहले से दशमलव लगा होगा, या पहली संख्या हो आपकी नहीं जा रही है तो शून्य लगाओ, बीच में शून्य नहीं लगाओगे। अगर इस तरीके से आपका नहीं आ रहा है और आपको शून्य की जरूरत पड़ रही है तो दशमलव लगाओगे, ठीक है। तो दशमलव क्या देता है, परमिशन देता है, क्या की परमिशन देता है, एक शून्य की परमिशन देता है। तो एक शून्य हमने यहाँ पे लगा दिया, तो अब हम कर सकते हैं 8 × 8। अब कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। अब दशमलव तो था ही हमारे पास, दशमलव ने कहा था हम आपको हर स्टेप में, हर लेवल में एक शून्य देंगे, तो भाई इसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और 0 दे दिया। तो अब हम इसको करेंगे 8 ×
16 करेंगे, 16 किया तो हमारा यहाँ पे 4 शेष आ गया। अब हमने यहाँ पे 0 लगा दिया क्योंकि दशमलव हमने अपना प्रॉमिस निभाया, क्या बोला था हर स्टेप में एक 0 देगा तो 0 हमने ले लिया। अब हम जाते हैं 8 पंचे कितना होता है 40 होता है, मतलब ये हमारा पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा इसने इसको सॉल्व कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या आया, 4.125 हमारा आंसर आया है। ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया, मतलब ये शांत होकर बैठ गया, भैया हमारा काम खत्म, हम तो अब शांति से बैठेंगे। तो जब ये शांति से बैठ रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, शांत दशमलव लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, शांत दशमलव। इसका प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रकार का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब करेंगे अपना फोर्थ फिफ्थ और सिक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम करेंगे कौन सा, अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/13 दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा भाई, 13 से 3 को भाग करना है। भाई 13 के बारे में 3 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो 13 से छोटा है, तो कैसे आ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं जाने का शून्य लगाएंगे, लेकिन ये शून्य तभी लगेगा जब स्टार्टिंग में नहीं जाता है, तब बीच में, जैसे कि हमने बताया था, बीच में कभी शून्य नहीं लगेगा, जब नहीं जाएगा तो हमारा दशमलव ही लगेगा, ठीक है। अब नहीं जाने का शून्य तो लगा दिया है, ठीक है, लेकिन इस जीरो का काम कुछ भी नहीं है, बस नहीं जाने के लिए लगता है, ये हमें कुछ देता नहीं है, ठीक है, क्योंकि दशमलव बेचारा अकेला, पहले छोटे छोटा सा बच्चा पहले खड़ा होगा और बाहर से इतनी बड़ी सेना और इतने सारे तीर कमान आ रहे होंगे, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई होना चाहिए ना, दशमलव को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो समझो ये दशमलव को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको बचा रहा है, ठीक है, तो ये बचा रहा है ना, तो इस वजह से ये क्या लगा लेता है, दशमलव के पहले 0 लगा लेता है। बस एक आपको दिमाग में ये बात बैठ जाए, इस वजह से ये उदाहरण दिया है, पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, प्रोटेक्ट वोटेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। फिलहाल ये हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, दशमलव लग गया, इस दशमलव में क्या दिया, यहाँ पे प्रॉमिस किया था हर स्टेप में एक 0 देंगे, हर स्टेप में कितने 0 देगा, एक ही देगा, एक से ज्यादा नहीं देगा, अगर एक से ज्यादा चाहिए तो 0 लगाओ, ठीक है। तो अब 13 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, हमारा क्या शेष, 4 शेष आ गया। अब 2 दशमलव अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, एक 0 देगा, 13 तिया हमारा क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, एक शेष आ जाएगा, फिर दशमलव अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, एक 0 देने का, फिर अब तो जा नहीं रहा है, तो जा नहीं रहा है भाई, 10 तो छोटा है ना 13 से, तो अब नहीं जा रहा है, दशमलव ने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब इसकी क्या गलती कि नहीं जा रहा है। तो भाई हमें अगला सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शून्य लगाना पड़ेगा। अब ये शून्य हमने लगा दिया है तो हमें यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एक 0 जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हमारा चला जाएगा 13 3 13 5 13 5 65 93 91, ठीक है, तो 7 बार में हमारा चला जाए, ठीक है, तो हमारा कितना शेष आ जाएगा, 9 शेष आ जाएगा। अब हम दशमलव अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, एक 0 देने का, भाई पूरा कर दिया इसने प्रॉमिस, 90 हो गया, 13 13 13 कितना आता, 13 13 53 13 55 53 91, 13 6 73 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और 10 यहाँ पे तो 0 है तो हम इससे हासिल लेंगे, तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 12 बचा। अब 12 भी तो छोटा है ना 13 से, तो कैसे जाएगा, फिर दशमलव को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे 13 नीमा 108, यही तो होता है, 3 नीम 27, सॉरी 13 नीमा 117 होता है, 12 नीमा 108 होता है, सॉरी यार कभी कभी हो जाता है, 13 नीमा 117 कितना शेष आया, 3 शेष आया, मतलब वापस से हम उसी कंडीशन पे पहुंच गए, वापस से हम कहां पे पहुंच गए, 30 से पहुंच, 30 पे पहुंच गए। अब 30 पे पहुंचे तो मतलब हमको वापस यही पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये जो नंबर आया है वो अगर इस स्टेप में दिख रहा है तो मतलब वही प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है, और 30 हमको दिख कहां पे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब जो अभी तक हम सॉल्व करते हुए आए हैं वो हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यही फिर से आएगा, फिर हम करेंगे
13 दूनी 26 करेंगे, फिर 13 तिया 39 करेंगे, फिर नहीं जाएगा तो शून्य लगाएंगे, फिर 7 बार मिले जाएंगे, फिर 6 बार मिले जाएंगे, फिर 9 बार मिले जाएंगे, फिर हमारा 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर हम 2 बार मिले जाएंगे, फिर 3 बार मिले जाएंगे, फिर 0 बार में, मतलब ये इतनी वाली स्टेप जो है वो बार बार हमारी रिपीट होगी, ठीक है। 9 तक ये स्टेप हमारी बार बार रिपीट होगी। हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं 7 6 9, ठीक है, बार बार ये स्टेप रिपीट हो रही। आए समझ में मैं कहना क्या चाह रही हूँ? आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो? आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या रिपीट हो रहा है, ये इतना हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम आंसर में ऐसे लिखेंगे 0.23079, ठीक है। ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इस ये पूरी चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, तो पूरे के ऊपर 12 लगा। आया समझ में? तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये हमारा शांत होके तो बैठा नहीं, ये तो जिसको जितना सॉल्व करते जाओ यही बार बार आता रहेगा, आते ही रहेगा, मतलब शांत नहीं होगा। तो इसका प्रसार कैसा है? ये है अनवसानी, जिसको हम अशांत अशांत भी बोल सकते हैं, अनवसानी अनवसानी आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है, आवर्ती दशमलव, ठीक है। ये हो गया। अब करेंगे हम ना फिफ्थ वाला, ठीक है, तो फिफ्थ वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले में 2/11 ये है हमारा, तो भाई हमें किसको किससे भाग करना है? हमें 11 से भाग करना है 2 को। अब भाई 11 के पहाड़े में 2 तो आएगा नहीं, आपको पता है अच्छे से, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है ना 11 से, तो ना जाने का शून्य, शून्य तो बस खाली में फालतू में लगा देते हैं। हमें काम क्या करना है? दशमलव से काम कर चलाना है। दशमलव हम लगाएंगे क्योंकि दशमलव हमें क्या देगा? अंडा देगा, ठीक है। इस दशमलव ने एक लेवल में एक अंडा देने का वादा किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11 एकम 11 करेंगे तो हमारा कितना शेष बच जाएगा? 9 शेष बच जाएगा, बच गया 9 शेष। अब क्या करेंगे? फिर दशमलव ने तो प्रॉमिस किया है ना हर स्टेप में एक जीरो देने का, तो इसने अपना जीरो दे दिया। अब 11 8 हम करेंगे 88, ठीक है। फिर हमारा कितना बच गया? 2 बच गया, 2 बच गया। फिर हमारा जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब वापस से हमको यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ था वापस से हमको 20 यहाँ पे मिल रहा है, मतलब फिर हम, मतलब अगर स्टेप इसके आगे सॉल्व करेंगे तो फिर हम 11 एकम 11 करेंगे, हमारा 9 बचेगा, फिर हम 11 8 88 करेंगे, जीरो लगाएंगे 11 8 88 करेंगे, फिर हमारा 2 बचेगा, मतलब बार बार हमारा 1818 1818 ये आता रहेगा। क्या बार बार आ रहा है? ये हिस्सा बार बार आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो ना, बार बार आ रहा है, मतलब ये भी हमारा शांत होकर बैठने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? 0.18। अब क्या आ रहा है बार बार? 18 बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है, इसकी भी प्रकृति है अनवसानी आवर्ती दशमलव की। अब हमारा 6 वाला क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 329/400, 329/400 आप लोग देख लो किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो 329/400 इसको हम आगे पेज पे कर लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं बची है। हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा 6 वाला पार्ट 329/400, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे भाई? 400 से भाग करेंगे 329 को। साफ साफ पता चल रहा है नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 329 400 छोटी है, तो ना जाने का शून्य, फिर हमारे प्रभु आ जाएंगे, प्रभु का काम है सबको वरदान दो, ठीक है। प्रभु क्या करेंगे यहाँ पे? प्रभु का मतलब है दशमलव, दशमलव हर स्टेप में एक जीरो देंगे, ठीक है। तो भाई इन्होंने अपनी कृपा कर दी और एक जीरो दे दिया, ठीक है। अब हम इसको ले जाएंगे भाई, कितनी बार में हम इसको ले जा सकते हैं भाई? देखते हैं, 4 8 32 होता है ना, और 0 0 लगा हुआ है तो 8 बार में आराम से चला जाएगा। 4 8 32 और 2 0 थे हमने लगा दिए, घटाएंगे तो हमारा 90 शेष रह जाएगा। अब 92 तो जाएगा नहीं, तो दशमलव अपनी कृपा करेगा, क्या कृपा करेगा? एक जीरो देने की कृपा करेगा, कर दी कृपा, कर दी।
अब लेकिन इसकी कृपा जो हुई है वो कह रहा है कि भाई आप सॉल्व करो, 400 दूनी होता है हमारा 800, मतलब 4 गुनी 8 होता है ना, 800 हम करेंगे, 3 बार में तो जाएगा नहीं, मतलब ज्यादा हो जाएगा, हमारा कितना बच गया, 100 शेष बच गया है, फिर 0 महाराज अपनी कृपा करेंगे, 1 0 देंगे, कृपा कर दी इन्होंने, हम कितनी बार में ले जा सकते हैं, 4 दुनिया 8, 4 3 12, फिर से हमें दूनी बार में ले जाना पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे 800 आ जाएगा। अब हमारा कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा, फिर इसको अपनी कृपा करनी पड़ेगी 0 को, 1 0 दे देगा, अब पूरी तरीके से कृपा कृपा हो यहाँ पे हो जाएगी, 5 बार में पूरा चला जाएगा, 5 चक्कू होता है 20 और 2 0 लगा देंगे, ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है सॉल्व हो गया। मतलब ये महाराज ने, इन प्रभु ने इतनी ज्यादा यहाँ पे कृपा कर दी है कि ये क्वेश्चन हमारा पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है, ये शांति से बैठ चुके हैं, शांति से बैठ चुके हैं, इसका मतलब इस यहाँ पे कौन सा प्रसार हो रहा है, वो हमारा शांत दशमलव दशमलव का प्रसार हो रहा है, ठीक है, शांत दशमलव का प्रसार हो रहा है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा पढ़ते हुए, ठीक है, और क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो भाई दूसरा वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है कि दिख ना रहा हो पूरा क्लियर, तो थोड़ी सी कृपा मैं आप पे कर दूं, ठीक है, तो ये रही मेरी थोड़ी सी कृपा। अब आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा हो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन पे चलने से पहले भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाने के बाद भी बहुत मेहनत लगती है, इन सब कामों में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं सब कुछ आपके पास आसानी से पहुंच जाता है, बस आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं जाना है, बस सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को टच करना है, जिससे जब भी हम क्लास अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और सब कुछ तो फ्री में ही है, बस आपका थोड़ा सा डेटा खर्च होगा, ठीक है, और वो तो आप फालतू की वीडियो देखने में खर्ची कर देते हो, तो अच्छी जगह खर्च करोगे तो आपका भी बेनिफिट होगा। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई लाइक करना, और कोई मतलब कोई डाउट है, कोई सजेशन देना हो कि मैम आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसा लिखिए, वैसा लिखिए, कुछ भी बोलना, मतलब उल्टा सीधा नहीं, कुछ भी बोलना, मतलब सजेशन देना है तो आप कॉमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, और फालतू वालतू बोलना है तो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं हाइड कर देती हूँ, वो फिर हमारा चैनल कभी नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 = 0.1428 57 का बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। तो इन्होंने 1/7 की वैल्यू हमको दे दी है, अब हमें भाग करके, जैसे कि अभी हम भाग करके वैल्यू निकाल रहे थे ना, बता रहे थे इनका दशमलव प्रसार किस टाइप का है, ठीक है, यही सब हम कर रहे थे, तो भाई अब हमें भाग नहीं देना है, डायरेक्ट आंसर बताना है, तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको दिला देती हूँ, यहाँ पे क्या है 1/7, यहाँ पे क्या है 2/7, यहाँ पे क्या है 3/7, यहाँ पे 4/7, यहाँ पे 5/7, यहाँ पे 6/7, अगर इनके गुणे में हम सबके गुणे में 1 लगा देते हैं तो हमारा ये 1/7 बन गया ना, 1/7 सब में बन गया, और बस गुणा किससे हो रही है, उसमें 2 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से, इसमें 6 से, तो यही हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर को प्रकट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1/7 की वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे, जो है 0.1428 57 का बार, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2/7, 2/7 लिखेंगे, 2/7 का मतलब होता है 2 × 1/7, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 2/7 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारी 0.1428 57 का बार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से 2 से गुणा कर देनी है, ठीक है, बस हमारा आंसर आ गया, बिना मतलब बिना भाग दिए, सिंपल से थोड़ी सी हमने गुणा करके आंसर ला दिया, इतना बड़ा आंसर हमने ले आ दिया है, 2 × 7 = 14, 1 हासिल, 2 × 5 = 10, 10 में 1 हासिल जुड़ा तो हो गया 11, फिर 1 हासिल लग गया, 2 × 8 = 16, 16 में 1 हासिल जुड़ा हो गया 17, फिर 1 हासिल हो गया हमारा, ठीक है, और 2 × 2 = 4, 4 में 1 हासिल जुड़ा हो गया 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2, ठीक है,
दशमलव लगा दो दशमलव की जगह, फिर जीरो को जीरो की जगह इसका कर दो बार, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया अब इसका आंसर 2/7 का। अब हम करेंगे इसको, हम रेड से कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा लगता है ना कलरफुल लिखते हुए। हाँ मुझे है ना, जब मैं अपने है मतलब कॉपी पे भी नोट्स बनाती हूँ ना, जो अपनी कॉपी होती है रजिस्टर होता है उसपे भी जब मैं नोट्स बनाती हूँ, 70 कलर के पेन रखती हूँ, कम से कम 4 से 5 कलर के पेन तो होते ही होते हैं, इससे ज्यादा भी हो जाए उसकी कोई मतलब वो नहीं है। कलरफुल लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हो कि मैंने कई सारे हैंड रिटन नोट्स भी डाले हुए हैं, मतलब खुद से लिखे हुए, वो हमारे सारे कलरफुल हैं, मुझे कलरफुल लिखना बहुत पसंद। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 3/7 पे। 3/7 का मतलब क्या है भाई, 3 × 1/7, 3 × 1/7 की वैल्यू है 0. पॉइंट को बनाओ पॉइंटा बन जाता है 4 × 2 = 8 = 5 = 7 में 3 7 हो जाएगा हमारा 21, 2 हासिल, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 1 हासिल, 3 × 8 = 24, 24 में 1 हासिल जुड़ा हो गया 25, 2 हासिल, 3 × 6 = 6 में 2 हासिल जुड़े तो हो गया कितना 8। ठीक है, और 3 × 12 फिर 1 हासिल, 3 × 3 = 3, 3 में 1 हासिल जुड़ा हो गया 4। ठीक है, दशमलव को दशमलव की जगह, 0 को 0 की जगह और इनका कर दो 12, ये हो गई 1/3, 3/7 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे 4/7 की वैल्यू। 4/7 का आखिर मतलब क्या होता है ये भी देख लो भाई, 4 × 1/7, तो 4 × इसकी 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 ये इसकी वैल्यू थी भाई, गुणा कर देते हैं तो 4 × 7 = 28, 2 हासिल, 4 × 5 = 20, 20 में 2 जोड़ा हो गया 22, फिर हमारा 2 हासिल, 4 × 8 = 32, 32 में 2 हासिल जोड़े हो गया 34, अब हो गया हमारा 3 हासिल, 4 × 2 = 8, 8 में 3 हासिल हो गया 11, अब हो गया 1 हासिल। ठीक है, 4 × 16, 16 में 1 हासिल जोड़ा हो गया 17, फिर 1 हासिल, और 4 × 4, ठीक है, 4 में 1 हासिल जोड़ा तो हो गया 5। ठीक है, दशमलव को दशमलव की जगह और 0 को 0 की जगह और इनका कर दो 12, ये हो गया इसका आंसर। अब हम निकालेंगे 5/6, ठीक है, किसका निकालेंगे 5/6 का, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसी में हमारा 6/7 भी आ जाएगा। ठीक है, क्यों अलग पेज पे जाएंगे, तो 5 × 1 लिखेंगे 1/7, 5 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे 12, गुणा करेंगे 5 × 35, 3 हासिल, 25 × 25 = 3 जोड़ा तो हो गया हमारा 26 × 27 = 28, 2 हासिल। ठीक है, 5 × 6 = 40, 40 में 2 हासिल जुड़े हो गया 42, 42 मतलब 2 लिखा जाएगा 4 हो जाएगा हासिल, 5 × 2 = 10, 10 में 4 जोड़ा तो हो गया हमारा 14, अब हो गया 1 हासिल, 5 × 20, 20 में 1 जोड़ा तो हो गया हमारा 21, 2 हासिल, 5 × 1 = 5, 5 में 2 जोड़ा हो गया हमारा 7। ठीक है, और दशमलव को दशमलव की जगह पे, 0 को 0 की जगह पे और इनका कर देंगे 12। ठीक है, अब करेंगे 6/7, ठीक है, 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7 ये लिख सकते हैं ना, तो 6 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857 और इसका 12, अब गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो भाई गुणा करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो, ठीक है, और गुणा करते हैं भाई, 6 × 7 = 42 का 2 = 4 हासिल, 5 × 5 = 30, 30 × 4 हो जाएगा 34, 3 हासिल, 6 × 8 = 48, ठीक है, 48 में 3 जोड़ा 48, 6 × 48 49, 50, 51
मतलब एक लिखा जाएगा 5 हाँ से, 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ा तो हो गया 17, 1 हाँ से, 6 चौक 24, 24 में 1 जोड़ा हो गया 25, 2 हाँ से, 6 कम 6, 6 में 2 जोड़ा हो गया हमारा 8, दशमलव को दशमलव की जगह पे, भैया दशमलव बनाना था हमें, 0 को 0 की जगह पे इनका कर दूंगी बात। इस तरीके से बिना भाग के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने सॉल्व, ये थी हमारी ट्रिक, ठीक है, और इसी ट्रिक से ही हमको सॉल्व भी करना था। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरी आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ने वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, आपको मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आती, छोटी मोटी चीजें, तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जॉर्जेस बेसिक मैथ, यहाँ पे जाइएगा, आपके यहाँ पे सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। इस चैनल पर विजिट जरूर करना। तो भाई चलते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।